हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है आपका लेंजला और हमारा लेक्चर नंबर है आपका 5। लेक्चर नंबर है आपका 5 और हमारा टॉपिक है आपका लेंजला। तो इससे पहले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपको ये पढ़ा था बच्चों कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपका किसी कॉइल के अंदर जो आपका ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा d∅dt। और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आया था बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इस नेगेटिव साइन का इंडिकेशन क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन आपका जो लेंस लॉ आपका इंडिकेट करता है कि इसमें लेंस लॉ क्या बोलते हैं। नेगेटिव मीन्स आपका लेंस लॉ आपको शो करेगा। नेगेटिव का जो कंसेप्ट जो है वो आपके लेंस लॉ से आपका निकल के आएंगे। तो बच्चों लेंस लॉ बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जिस कॉइल के अंदर आपका, हमने ये चीज फिर मैं रिपीट करूं बच्चों, जब एक मैग्नेट को मूव किया जाता है आपका नजदीक लिया जाता है तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ ज्यादा लिंक होगा। जब उसका अवे किया जाएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ आपका कम लिंक होगा। तो इसमें क्या होगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स आपके चेंज हो गया, नजदीक लाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, आप अवे जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा। तो आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑलवेज प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी लेंगे उस कॉइल के अंदर, इस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट वो हमेशा ऑलवेज अपोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। ये चीज आपका लेंस लॉ क्या बोलता है, लेंस लॉ हमेशा आपकी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आपका शो करते हैं बच्चों कि आपका कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट निकलेगा उसका डायरेक्शन क्लॉक वाइज में होगा या एंटी क्लॉक वाइज में होगा, उस डायरेक्शन को आपका पता कर देते हैं आपका लेंस लॉ। तो लेंस लॉ क्या बोलता है बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से इस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेगा, तो ये बोलता है कि लेंस बोलता है कि आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेगा इस कॉइल के अंदर वो ऑलवेज अपोज करता है, वो हमेशा अपोज करता है, अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, हमेशा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करता है। मतलब मीन्स जब आपका कॉइल जो है, मान लो ये मेरा आपका कॉइल है, यहाँ आपका मैग्नेट है, मैग्नेट है, जब आप मैग्नेट आपका नजदीक आ रहे हैं बच्चों, आपका मैग्नेट नजदीक आ रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसके साथ ज्यादा लिंक होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज। तो इस कॉइल के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा, प्रोड्यूस होगा, वो हमेशा क्या करेंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करे। इसका मतलब हुआ जब आपका नजदीक आएंगे क्या होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ इंक्रीज होगा। तो इस कॉइल के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या इंड्यूस्ड करंट निकलेगा वो हमेशा उस इंक्रीज को, ओरिजिनल जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ नजदीक आने से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज किया था, तो इंड्यूस्ड करंट हमेशा उसको अपोज करेगा। अपोज मीन्स वो आपका जो ओरिजिनल, जो आपका ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स था आपका इंक्रीज हो रहा था, तो इंड्यूस्ड करंट आपका क्या करेगा, उसको डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। ये होता है आपका लेंज़ लॉ बच्चों। तो क्या हुआ, देखो बच्चों, व्हेन यहाँ पे क्या है, व्हेन ए करंट इंड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मान लो इस कॉइल के अंदर जो है आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स, इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, मान लो ये आपका बाहर जो है मैग्नेट जो है नजदीक आ रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसके साथ, इस कॉइल के साथ मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसके साथ लिंक होगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंक्रीज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज की वजह से क्या हो रहा है, इस कॉइल के अंदर क्या होगा, आपका करंट प्रोड्यूस होगा। तो क्या होगा, तो आपका लेंस लॉ क्या बोलता है कि इट ऑलवेज, तो आपके जो इंड्यूस करंट इस कॉइल के अंदर जो आपका प्रोड्यूस होगा वो हमेशा अपोज करेगा किसको, इस इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। जो आपका जिस कॉज की वजह से आपका इंड्यूस करंट निकला है बच्चों, उस कॉज को हमेशा अपोज करेगा। अपोज में जब आपका मैग्नेट नजदीक लाते हैं तो इस कॉइल के अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ मैक्सिमम लिंक होगा। तो इस कॉइल की टेंडेंसी क्या होगी, इस कॉइल की टेंडेंसी ऐसी होगी बच्चों कि आज कॉइल के अंदर जो है करंट ऐसा प्रोड्यूस हो कि वो इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करेगा। इसका मतलब है आपका इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। ये आपका बन जाता है आपका लेंस लॉ। तो बच्चों ये कैसे हुआ, देखो बच्चों, तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट आपको लिख दूं। ये बच्चों इस कॉइल की इंटेंशन क्या होगी, एक तो हमें ये पता है बच्चों, एक करंट कैरिंग कॉइल ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो एक करंट कैरिंग कॉइल जो एक कॉइल होगा जिसमें आपका करंट आपका फ्लो हो रहा होगा, तो एक करंट कैरिंग कॉइल हमेशा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसका मतलब है एक करंट कैरिंग कॉइल में क्या होगा, एक बार मैग्नेट का रूल का, इसका मतलब एक फेज उसका नॉर्थ होगा, इस फेज उसका साउथ होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जब एक मैग्नेट जो है उसके नजदीक आते हैं तो क्या होगा बच्चों, इसके इसके इस कॉइल के साथ आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक होगा। तो क्या होगा,
इस क्वायल की इंटेंशन क्या होगी, इस क्वायल की इंटेंशन, इंटेंशन ऑफ द क्वायल, इस क्वायल की इंटेंशन क्या होगी, इस मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करना चाहेगा, वो डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। तो क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा, ये क्वायल क्या करेंगे, क्वायल क्यों, क्योंकि हमें पता है बच्चों कि क्वायल, करंट कैरिंग क्वायल ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करेगा क्वायल, तो बच्चों ये क्या करेगा, इधर देखो मैं फिर से यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। एक बार मैंने जब मैं नजदीक लाता हूँ एक क्वायल के नजदीक लाता हूँ बच्चों, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इस क्वायल के साथ लिंक होगा। तो ये क्वायल क्या करेगा, इस क्वायल की इंटेंशन क्या होगी बच्चों, इस क्वायल की इंटेंशन क्या होगी, ये क्वायल, इस क्वायल की इंटेंशन ये होगी कि आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक नहीं हो। तो वो क्या करेगा कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स को मिनिमम कराने की कोशिश करेगा। तो इसके अंदर, क्वायल के अंदर आपका करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या करेगी, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो हमें पता है बच्चों कि आपका मैग्नेटिक फील्ड, इस ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ, इस यहाँ की तरफ आ रहा है, ये होगी आपका ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, जो आपका इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड, उस इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आपका इंड्यूस्ड करंट निकला है इस क्वायल के अंदर। तो इस क्वायल के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड करंट होगा वो हमेशा क्या करेगा, वो हमेशा अपोज करेगा उस इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो ये करंट कैरिंग क्वायल जो है, ये करंट कैरिंग क्वायल है, वो क्या करेगा, हमेशा ये वाला फेस हमेशा नॉर्थ फेस बनेगा, ये वाला फेस हमेशा साउथ पोल बनेगा। क्यों नॉर्थ फेस बनेगा, क्योंकि इस क्वायल की इंटेंशन क्या होगी, इस क्वायल की इंटेंशन ये होगी बच्चों कि आपका ये क्वायल उसके नजदीक नहीं आए, ये क्वायल इसके नजदीक नहीं आए, इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हो। तो क्या करेगा, ये क्वायल जो है अपना ये वाला फेस जो हमेशा नॉर्थ पोल बनेगा, ये वाला फेस हमेशा साउथ पोल बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों की करंट कैरिंग क्वायल जो है हमेशा प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए हमेशा ये वाला फेस जो हमेशा क्या बनेगा बच्चों, नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल बनने से ये, इस क्वायल का ये वाला फेस नॉर्थ पोल बनेगा, ये वाला फेस नॉर्थ पोल, इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। उस फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये वाला मैग्नेट उसके नजदीक नहीं आएंगे। इसका मतलब है इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, लेंस लॉ आपको ये बोलता है कि लेंस लॉ ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से आपका इसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो इंड्यूस करंट हमेशा इस ऐसे मतलब डायरेक्शन में फ्लो होगा, वो इंड्यूस करंट हमेशा आपका अपोज करेगा जिसको, मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज को। जब मैग्नेटिक फ्लक्स आपका इंक्रीज होगा तो आपका इंड्यूस करंट हमेशा उस इंक्रीज को डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा। तो मान लो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं और एक डायग्राम बना लूँ, अगर मान लो आपके पास इस क्वायल के अंदर, इस यह हमारे क्वायल है बच्चों, ये क्वायल है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है बच्चों, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या कर रहा हूँ, इस मैग्नेट को मैं अवे ले रहा हूँ, कहाँ से, उस क्वायल से आपका दूर ले जा रहा हूँ। तो आपका दूर लेने से क्या होगा, पहले मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ के साथ क्या होता है, इस क्वायल के साथ मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा था, अब ये दूर भागे जा रहा है, दूर भागने से क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डिक्रीज होगा। तो इस क्वायल के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, वो इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो इस क्वायल के अंदर बच्चों, आपका इस क्वायल के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड करंट होगा वो किसकी वजह से होगा, डिक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से, क्योंकि आपका एक मैग्नेट जो है आपके इस क्वायल से दूर ले रहा है। इसका मतलब है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पहले नजदीक था, इसका मतलब है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ ज्यादा से ज्यादा लिंक हो रहा था। तो इस केस में आपका इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से, इस केस में आपका करंट जो है आपका किस से प्रोड्यूस हो रहा था, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसमें आपका इंड्यूस करंट निकल रहा था, वो इंड्यूस करंट हमेशा क्या करेगा, उस इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करेगा। इसका मतलब है इस क्वायल के अंदर जो इंड्यूस करंट होगा वो हमेशा इस मैग्नेट को हमेशा नजदीक आने नहीं देगा। इसका मतलब है ये वाला फेस हमेशा नॉर्थ पोल बनेगा। तो नॉर्थ पोल के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ये आपका लेंस लॉ आपको यही कहता है। तो बच्चों अगर यही मैग्नेट जो है, यही मैंने आप दूर लाने के बजाय में नजदीक लाने के बजाय उसको क्या करता हूँ, मैं अवे लेता हूँ, तो इस टाइम क्या होगा, तो इस टाइम क्या होगा बच्चों, तो इसके साथ पहले क्या होगा, आपका तीन लाइन आप इसके साथ लिंक हो रहा था, तो मान लो इसके साथ आप क्या हो रहा है, दो ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके साथ लिंक हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उस डिक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से क्या होगा, इस क्वायल के अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेगा, वो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, हमेशा डिक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करेगा। तो इस क्वायल की टेंडेंसी क्या होगी, इस क्वायल की टेंडेंसी ये होगी कि आपका ये मैग्नेट जो है नॉर्थ पोल जो है उससे दूर नहीं भागे, क्योंकि
आपका जो इंड्यूस करंट इस कॉइल के अंदर आपका प्रोड्यूस हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किससे डिक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस मैग्नेट को दूर भगाने से मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इस कॉइल के अंदर आपका इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी जिसकी वजह से क्या होगा, आपका इस डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को वो क्या करेगा, करना चाहेगा, इस कॉइल की इंटेंशन क्या होगी, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा क्या करना चाहेगा, वो इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए तो ये वाला कॉइल जो है क्या करेगा, इस नॉर्थ पोल को क्या करना चाहेगा, हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करना चाहेगा, क्योंकि डिक्रीज को क्या करना चाहते हैं, वो इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर आपका डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा क्लॉकवाइज में होगा। ये हुआ पहले आपका एंटी क्लॉकवाइज में, ये हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज में। इस केस में आपका क्या होगा बच्चों, इस केस में आपका क्लॉकवाइज में होगा, इसका मतलब है ये वाला फेज जो है आपका साउथ पोल बनेगा, ये वाला साउथ, ये वाला नॉर्थ, इन दोनों के बीच में आप क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो आपका लेंस लॉ यही बोलता है, लेंस लॉ क्या बोलता है, आपका जो आपका इंड्यूस करंट किसी कॉइल के अंदर जो प्रोड्यूस होगा, वो इंड्यूस करंट हमेशा चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करेगा। इसका मतलब है यहाँ पे इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स है तो एक कॉइल का क्या करना चाहेगा, डिक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स करना चाहेगा, तो यहाँ पे हमेशा नॉर्थ पोल, ये वाला फेज हमेशा नॉर्थ पोल बनेगा। तो यहाँ पे जो इस कॉइल के अंदर जो आपका इंड्यूस करंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, आपका डिक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हो रहा है। तो आप ये कॉइल क्या करना चाहेगा, ये कॉइल हमेशा इस डिक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है ये वाला फेज जो है हमेशा साउथ पोल बनेगा, तो साउथ पोल नॉर्थ पोल को हमेशा अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि लेंस लॉ क्या बोलता है, कि लेंस लॉ हमेशा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करेगा। क्यों, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या था, पहले ये वाला, फिर मैं डायग्राम शो कर दूं, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये नजदीक लाया था बच्चों, ये वाला नजदीक लाने से क्या हुआ था, तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन ऑफ करंट जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज में चला था, जिसकी वजह से ये वाला फेज जो है आपका नॉर्थ पोल बना था। तो हमें पता है बच्चों यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से होगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जो ही आपका ये वाला मैग्नेट नजदीक आएंगे तो इस कॉइल के अंदर जो आपका इंड्यूस करंट निकलेगा, तो हमें पता है बच्चों आपका इंड्यूस करंट से क्या होगा, आपका जब आप किसी कॉइल के अंदर आपका करंट निकलेंगे वहां क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस कॉइल के अंदर आपका हमना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस अप्लाइड फील्ड को, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा अपोज करेंगे, जिसकी वजह से आपका इस वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करेगा, जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको अपोज कराने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो एंटी क्लॉकवाइज में करंट आपका दौड़ेगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डिक्रीज हो रहा है क्योंकि दूर भगा रहा है, तो ये वाला फेस हमेशा साउथ पोल बनेगा। तो इसके अंदर जो आपका करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, आपका क्लॉकवाइज में होगा करंट की डायरेक्शन। और दूसरी बात क्या होगा, इस कॉइल की वजह से इस कॉइल का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो जिस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में, और आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में होगा। इसमें आपका आए इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा जो अप्लाइड फील्ड को हमेशा काउंटर करेगा, इस केस में हमेशा जो आपका ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको हमेशा वो सपोर्ट करेगा। तो इस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, तो इस केस में जो इस केस में आपका इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमेशा उसको काउंटर करेगा बच्चों। तो यहाँ से क्या निकल के आता है बच्चों, यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दूँ, ये स्टेटमेंट है द कॉइल एज पर लेंस लॉ, इसका मतलब है द कॉइल ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ मैग्नेट, motion of magnet and corresponding increasing or decreasing magnetic flux। ये वाला बच्चों आपको याद रखना है, इस स्टेटमेंट की वजह से क्या होगा,
द कॉयल ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट। इसका मतलब है जब एक कॉयल को, जब एक मैग्नेट को इस कॉयल के नजदीक लाएंगे या उससे हमेशा हम उसको अवे ले जाएंगे, तो हमेशा क्या होगा, इस कॉयल के अंदर हमेशा एक इंड्यूस करंट निकलेगा। वो इंड्यूस करंट क्या करेगा, ऑलवेज अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, द मोशन ऑफ द मैग्नेट को, मैग्नेट के मोशन को हमेशा अपोज करेगा। इसका मतलब है मैग्नेट जो है वो नजदीक आ रहा है तो उसको हमेशा दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो इस केस में क्या है, आपका मैग्नेट जो है दूर जा रही है, मोशन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक कॉयल क्या चलेगा, इस कॉयल की टेंशन क्या होगी, ये मैग्नेट जो है दूर नहीं भागे, वो इसके नजदीक आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो इंड्यूस्ड करंट निकलेंगे इस कॉयल के अंदर, वो हमेशा अपोज करेगा मोशन ऑफ द मैग्नेट को, मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। अगर मैग्नेट इधर जा रही है तो हमेशा ये कॉयल मैग्नेट को हमेशा इस तरफ खींचने की कोशिश करेगा, अगर मैग्नेट जो है इस तरफ आ रही है तो ये कॉयल जो है मैग्नेट को हमेशा इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये इट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट, एक तो मैग्नेट के मोशन को हमेशा अपोज करता है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब मैग्नेट जो है नजदीक होगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा इंक्रीज होगा, उस इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, हमेशा अपोज करेगा। जब आपका मैग्नेट जो है आपका दूर भागेंगे तो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उस डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा क्या करना चाहेगा, इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा। तो ये हुआ बच्चों आपका लेंस ला। तो बच्चों थोड़ा आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा फील आप लोगों को आया होगा कि लेंस ला क्या चीज होती है। लेंस ला में क्या होगा, मैं फिर से रिपीट करूं, लेंस ला स्टेट दैट द इंड्यूस्ड करंट जो आपका प्रोड्यूस होते हैं इन द कॉइल, द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन द कॉइल इट ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इट, हमेशा ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज कराने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब है जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डिक्रीज हो रहा तो वो कॉयल हमेशा ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम की बेस पे इसको आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। बच्चों अगर मान लो ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है और आपका मैग्नेट इसकी तरह मूव हो रहा है, तो यहाँ पे अगर एक कॉयल है, यहाँ पे एक कॉयल, तो बच्चों यहाँ पे क्या किया, मैंने एक मैग्नेट लाया, मैग्नेट कॉयल के बिल्कुल नजदीक लाया, तो क्या होगा, तो मुझे आप लोगों को ये बताना है कि इस कॉयल के अंदर आपका डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी, करंट की डायरेक्शन कैसी होगी। तो हमें पता है, तो जब आपका जो मैग्नेट जो है नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, इस कॉयल के साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका इंक्रीज होगा। तो इस कॉयल की इंटेंशन क्या होगी, तो इस कॉयल के अंदर हमेशा क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस कॉयल के अंदर हमेशा एक इंड्यूस्ड करंट निकलेगा, वो इंड्यूस्ड करंट हमेशा क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। इसका मतलब है ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स नीचे है तो इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से इस कॉयल के अंदर अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, हमेशा उसको अपोज करेगा। इसका मतलब है आपकी करंट की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, इस तरह आपकी करंट की डायरेक्शन होगी। और इसमें क्या होगा, ये वाला फेज जो है हमेशा नॉर्थ पोल बनेगा। तो अगर ऊपर से देखेंगे तो ये वाला फेज हमेशा नॉर्थ पोल, नीचे वाला फेज हमेशा क्या होगा, साउथ पोल बनेगा। इसी तरह से बच्चों इसका मतलब है, इसी तरह से अगर ये नॉर्थ पोल है, यह अगर साउथ पोल है, अगर ये कॉयल से क्या हो रहा है, अवे हो रहा है, दूर मैं ले जा रहा हूँ, यहाँ पे आपका एक कॉयल है, यहाँ पे एक कॉयल है, तो क्या होगा, जब आपका दूर आपका ये मैग्नेट जो है आपका कॉयल से क्या उसको हम अवे लेंगे, तो इस केस में क्या होगा, डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो इस कॉयल के साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो इस कॉयल के अंदर हमें पता है कि आपका चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट निकलेगा, वो इंड्यूस्ड करंट की वजह से हमेशा इस डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा वो अपोज कर रहे हैं। इसका मतलब है इस कॉयल की इंटेंशन क्या होगी, इस कॉयल की इंटेंशन यही होगी कि आपका ये मैग्नेट जो है दूर नहीं भागे, तो ये वाला फेज हमेशा क्या बनेगा, तो ये वाला कॉयल जो है हमेशा, ये वाला फेज हमेशा साउथ पोल बनेगा, ये वाला फेज हमेशा साउथ पोल बनेगा। तो आपका क्या होगा, ये वाला आपका क्लॉकवाइज में करंट दौड़ेगा। इसका मतलब है इस केस में आपका करंट जो है आपका क्लॉकवाइज और ये वाला आपका साउथ पोल बनेंगे। तो ऊपर से देखा जाए ये वाला साउथ पोल बनेगा, नीचे से देखा जाए तो ये वाला आपका नॉर्थ पोल, तो आपको ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला आपका साउथ पोल बनेगा। तो बच्चों ये रहा आपका क्या हुआ, लेंस लॉ। तो बच्चों यहाँ पे मैं कुछ फिर एक डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे ड्रा करूं। मान लो यहाँ पे आपका ये है आपका क्या है बच्चों, एक रीजन बना रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड का,
और मैग्नेटिक फील्ड जो है कहाँ से कहाँ हो रहा है, ये इसका मतलब है क्रॉस का मतलब है इन साइड हो रहा है, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बी जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, बी जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है यह आपका बोर्ड है, इसका मतलब यह हुआ आपके बोर्ड है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इन साइड ऑफ दिस बोर्ड जा रहा है, और उसका मैग्नेटिक फील्ड आपका इस प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर जा रहा है, इसका मतलब क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दे आर गोइंग इन साइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो इस केस में क्या होगा आपको, और यहाँ पे क्या किया मैंने, बी जो है आपके इंक्रीज किया, तो बी जो है पहले एक लाइन आ रहा था, इसके बाद दो लाइन, इसके बाद दस, इसके बाद 100 लाइन आ रहे हैं। तो आप लोगों को बताना है, यहाँ पे मैं क्वाइल रखता हूँ, तो आपको ये बताना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन दिस क्वाइल, इस क्वाइल के अंदर आपका करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो इस केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, और जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो इस क्वाइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेगा, वो इंड्यूस्ड करंट की वजह से क्या होगा, इस क्वाइल के अंदर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बने, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा अपोज करेगा, इसका मतलब है इसके अंदर ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ है, तो इस क्वाइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, तो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा अपोज करेगा बच्चों। तो इसका मतलब है यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, तो ये वाला फेस क्या बनेगा, हमेशा नॉर्थ पोल बनेगा। तो सिमिलरली बच्चों अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर और मैं एक डायग्राम यहाँ पे आकर शो करूँ, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ आ रहा है, अंदर से बाहर आ रही है, ये बच्चों क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दे आर कमिंग फ्रॉम इनसाइड टू द प्लेन, इनसाइड कमिंग फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। इस क्रॉस का मतलब क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड दे आर गोइंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो इस सर्कल का इसका मतलब डॉट का मतलब क्या है बच्चों, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्लेन ऑफ द बोर्ड के अंदर से बाहर आ रही, अंदर से बाहर, इस केस में क्या हो रहा था, बाहर से अंदर जा रहा था, तो इस केस में भी क्या है, आपका इंक्रीज हो रहा है। तो आपको बताना है बच्चों, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, देयर आर कमिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर क्वाइल यहाँ पे ड्रा किया, तो हमें पता है जब एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स इस क्वाइल के साथ क्या होगा, चेंज होगा, चेंज होने से क्या होगा, इस क्वाइल के अंदर रेक्टेंगुलर क्वाइल के अंदर आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेगा, उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन आपको बताना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो क्या होगा बच्चों इसमें आप लोगों को, अब इस केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से पहले एक लाइन और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है, पहले एक लाइन, इसके बाद दो लाइन, इसके बाद तीन लाइन, इसके बाद लगातार आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर से आपका बाहर की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, एक क्वाइल रखता हूँ, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रहा है, पहले एक लाइन, फिर दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, इसी तरह आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कम्प्लीटली आपका इंक्रीज होते जा रहे हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस क्वाइल के साथ लिंक हुआ, तो क्वाइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हुआ, चेंज होने से इस क्वाइल के अंदर क्या होगा, अब ना एक इंड्यूस्ड करंट निकलेगा, उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आप लोगों को बताना है। तो क्या होगा इसका डायरेक्शन, तो यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर आ रही है, अंदर से बाहर की तरफ, तो इस क्वाइल के अंदर आपका करंट होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट, उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से उस क्वाइल का हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, हमेशा अंदर की तरफ, क्योंकि बच्चों यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बाहर आ रहे हैं, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका इस क्वाइल के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट निकलेगा जिसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमेशा इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड को, लेंस क्या बोलता है, इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा अपोज करता है, इसका मतलब है ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो क्वाइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट निकलेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, काउंटर करेगा बच्चों, क्योंकि इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा इस तरफ होगा, तो ये वाला फेज जो है हमेशा इस तरफ होगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, और आपका जो इंड्यूस्ड करंट इस क्वाइल के अंदर प्रोड्यूस होगा आपका क्या होगा, इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से हो रहा है, तो इस क्वाइल के अंदर जो आपका इंड्यूस्ड करंट निकलेगा वो हमेशा इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा, इसीलिए उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हमेशा क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ होगा, इस ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा अपोज करेंगे बच्चों। तो इस केस में आपका ये वाला फेस हमेशा नॉर्थ पोल, तो इस फेस में ये वाला फेस जो है हमेशा साउथ पोल बनेगा।
तो बच्चों होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर इस बेस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे कि लेंज़ लॉ आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है। तब तक वस्सलाम अलैकुम।